speak about RK Educational Trust, which is running at Karma. RK Educational Trust is running RK Public School Karma, RK versus B.Ed. College and RK Nursing College. So now I request you, sir, so please come to the dais and enlighten our youth. और प्लीज अपने मधुर शब्दों से हमारा दिशा निर्देशन कर हमें जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर। हेलो जी, डायरेक्टर श्री आनंद जी, मंच पर उपस्थित नेहा जी, साकेत जी, सामने बैठे सभी युवा साथीगण, और हम यह उम्मीद करें कि जिस तरह से हम लोग एक तरह से कहिए कि मिलेट का रोल कर रहे हैं, भगवान करेंगे यहाँ पे मिले हो कि देश राज की सेवा। ये युवा सदन है, शायद यह किसी बार इसका आयोजन किया गया है और लगातार हम इसके बारे में सुनते रहते हैं। तो थोड़ी शुरुआत करने से पहले कहें कि राजमहल से बीजेपी के विधायक हैं और वे मंत्री नहीं हैं, तो हम लोग जो जगह सेट करें कब से हम जाने कि कौन कहाँ से जीता हुआ है। कहीं देवघर के विधायक को देखे नाम, चूंकि हम राजनीति करते हैं तो हमको करीब करीब सब क्षेत्र की जानकारी रहती है कौन कहाँ से जीता हुआ है। तो राजमहल के विधायक मंत्री नहीं है हमारे बोलता है। तीसरी बात जरूर कहना चाहिए कि हम लोग जो चर्चा करते हैं, हमको भी छोटा सदन चलाने का अनुभव रहा है। हम नगर परिषद के डिप्टी मेयर रहे हैं 5 साल का, उसमें हम जरूर देखे हैं कि जब कोई बिल आता है, जब कोई प्रस्ताव आता है, तो उसको लोग अपने मन के रूप में नहीं बोल पाते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि चेयरमैन क्या चाहता है, वाइस चेयरमैन क्या चाहता है या अन्य लोग क्या चाहते हैं। बड़ी सुंदर बात है कि आप लोग बेधड़क अपनी बात रख रहे हैं, चाहे उसमें जानकारी कितना भी हो, लेकिन आप अपनी बात अच्छे तरीके से रख रहे थे। यह राज्य के लिए अच्छी है। थोड़ी चर्चा डेमोक्रेसी की करें, हमको कोई विशेष टॉपिक की जानकारी नहीं थी, हम जब आपके विचार रहे थे इससे पहले विशुद्ध रूप से एक सामाजिक कार्यक्रम के बैठक में हम आए थे। जैसे दो चीजें राजनीतिक और सामाजिक है, जैंट्स ग्रुप ऑफ गढ़वा के हम संस्थापक अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी पूरे राज्य के हम अध्यक्ष हो सके, उसी की एक बैठक आयोजित की गई थी लालू चौक से बगल होटल में था, तो उसमें पूरे राज्य से लोग आए हुए थे और बस सामाजिक काम कैसे कर इस पर चर्चा हो रही थी, क्या क्या प्रोजेक्ट लें, क्या प्रोग्राम लें, उस पर चर्चा करके तो ठीक सामाजिक से हम कार्यक्रम के बीच आपके बीच चले आए। हम पूछने का प्रयास भी किए कि कोई विशेष टॉपिक पर बोलना है, तो आजकल पॉलिटिशियन को कोई टॉपिक नहीं दिया जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी कहावत है कि एक आदमी किसी नेता के पास गया, बोला चलिए नेताजी 5 मिनट हमने सभा में आप कुछ बोल दीजिए। नेताजी बोले कि भाई 5 मिनट बोलना है तब तो हमको आपको 15 दिन पहले बताना पड़ेगा, तब हम 5 मिनट बोलेंगे। अगला बोला भाई कैसा नेता है, बोले अगर 10 मिनट बोलना हो तो, बोला एक हफ्ता पहले बोल दीजिए, और अगर अनलिमिटेड बोलना हो तो अभी चलिए, तो हम आपके बीच अनलिमिटेड बोलने आए। टॉपिक कुछ भी रहा होगा कुछ बात हम बोल देंगे, स्थिति यह है। अब अनलिमिटेड में क्या बोलेंगे हम, हमें जरूर आपसे आग्रह करेंगे, हम जब भी एक प्रॉब्लम क्या हो गया है, खासकर झारखंड के परिवेश में कही, तो जुआ राजनीति से दूर भाग रहा है। उसके पीछे कारण क्या है, उसको आइडियोलॉजी की जानकारी नहीं, हो सकता आपको बुरा लग जाए जो हम बोल रहे हो, लेकिन जुआ को यह पता ही नहीं कि राजनीति का कोई आइडियोलॉजी होता है। अगर संपत घराने के हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, तो उनका हक बन जाता है कि हम पॉलिटिशियन बने हैं। उनको यह भी पता नहीं कि हमको किस दल में जाना है, जिस दल का अच्छा वोट है उस दल में चले गए। तो सबसे पहले हमारा आइडियोलॉजी होना चाहिए, हम मार्क्सवाद पसंद करते हैं, पूंजीवाद पसंद करते हैं, समाजवाद पसंद करते हैं, या कोई बात पसंद नहीं करते। आजादी के समय में आप सब अगर शायद पढ़े लिखे हो, तो आजादी के पीरियड में देश चला कि हमको समाजवाद के आधार पर मिश्रित हमारा इकोनॉमी होगा, ना पूंजीवाद के समर्थक होंगे ना हम मार्क्सवाद के समर्थक होंगे, हम मिक्स, हमारा मिक्स कल्चर होगा। आप देखें उस देश काफी विकास हुआ है। हम यह बात को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से 2009 में गढ़वा विधानसभा का हम चुनाव भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी से हम डिप्टी मेयर रहे हैं, हमारे मिसे जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी से डिप्टी मेयर है गढ़वा। उसके बाद भी हम आपको यह बता रहे कि उस वक्त बड़े तरीके से देश चला, पैसा कम काम ज्यादा करना था, तो यह मिक्स कल्चर चला। उसके चलते आप देखे होंगे झारखंड जैसे राज्य में इंडस्ट्री लाया गया और जहाँ फ्ले इलाका था हरियाणा पंजाब, वहाँ खेती की व्यवस्था की गई ताकि हम कौन भी मिले रोजगार मिले।
एक सिस्टम समझ में आती थी। यह करीब करीब आप ब्रिटिश को बांट ले चले 1952-50 से लेके और 80 तक इस तरह की राजनीति हुई। लेकिन वैसे लोग जो राजनीति करना चाहते थे उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं था। अन्य आइडियोलॉजी क्या था, हमारे पास समाजवादी लोग थे जो बाजपते बोलते थे कि भाई हम इस पर सब इस संपत्ति पर सबका हक, जिसके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या अन्य लोग जो राजनीति करते थे। और आपको यह भी बता दें कि मार्क्सवाद और लेनिनवाद की राजनीति करने वाले भी थे, लेकिन उनका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। उनका कहना था भाई जमीन एक के पास क्या रहेगा, सबको बांटो, और वो कोई वर्ग विशेष के लोग नहीं थे। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त तथाकथित जितने बड़े लोग थे वे सब इसके समर्थक। एक प्रिंसिपल बेस्ड राजनीति होती थी। लड़कियों को आप देखे होंगे जेएनयू का लड़का या कॉलेज का लड़का अगर झोला टांग लिया दाढ़ी बड़ा होगा इसका मतलब प्रिंसिपल वाला। यह राजनीति चली, लेकिन उस वक्त भी एक दल कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगता था कि पूंजीवाद से ही देश का विकास हुआ। जिस पार्टी के हम आज मेंबर लगा कि नहीं हम अगर सब चीज फ्री कर दे तो शायद देश का विकास ज्यादा गति से होगा। वो भी एक प्रिंसिपल बेस्ड पार्टी थी। 1990 के बाद 1990 में सरकार बनी थी। और यह भी आश्चर्यजनक बात है कि उस सरकार के मुखिया विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे, जिनको एक तरफ समाजवादी लोग और दूसरे तरफ पूंजीवादी लोग। उस वक्त कम्युनिस्ट भी समर्थन कर रहा था और भाजपा भी समर्थन कर रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिंसिपल का क्या हुआ। जिस प्रधानमंत्री को मार्क्सवादी लोग भी समर्थन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समर्थन, उसे बीपी सिंह सरकार बनाए। मोटा मोटी आइडियोलॉजिकल ह्रास वहीं से शुरू। उसके बाद लोग व्यापारिक दृष्टि से राजनीति करते हैं। और राजनीति में अभी कहा गया है जैसे हम अभी आ रहे थे सोचे कि क्या कहें, तो आप जानते हैं सबसे पहले लोग सोचा कि 3C से पॉलिटिक्स को बिगाड़ा है, या 3C है जिससे हम चुनाव जीत सकते हैं। वो 3C कौन था, कैश, क्राइम और कास्ट। आप किसी गांव में चले गए भाई, आपको पता लगा कि हमारे जाति का लोग ज्यादा रहता है, आप सीधा सीधी बोल सकते हैं कि अरे जब हम आपके अपने जाते हैं आप दूसरे को वोट दीजिएगा। और लोग इस सेंटीमेंट में बहते पता लगा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ यही कहना कि आप हमारे जात के लोग। और बड़े पैमाने पर यह राजनीति 1990 के बाद की गई। उसके बाद क्रिमिनल को का हेल्प दिया गया, भाई हमारा बूथ कैप्चर कर लो हम तुमको रुपया दे देंगे। बाद में क्रिमिनल सोचा कि इसके लिए करने से अच्छा कि अपने लिए कर ले। और 1980 से के बाद से क्रिमिनल का राजनीति में पदार्पण हुआ। उसके बाद किसी को बोलने की हिम्मत नहीं रही, तो उस तरह से राजनीति का जो दूसरी तरफ होना शुरू हुआ। और जो पढ़े लिखे जानकार लोग थे वे साइड होने लगे, बोले तो बहुत खराब काम है इसमें क्यों जाने। तीसरी बात, जो राजनीति करता है आप सब गौर कर किए होंगे, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को सैलरी सरकार देती है, यहाँ तक कि पत्रकार लोगों को भी कुछ ना कुछ यूनिट बना के पैसा दिया जाता है। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल जो पूरे राज्य में मजबूत है उसे किसी वर्कर को 5 रुपया नहीं दिया जाता। उसको क्या बोला जाता है, तुम ब्लॉक से काम चलाओ, तुम जिला से काम चलाओ। इसका मतलब क्या, तुम अफसर के पास जाओ और पैसा मांगो, जिससे आप पैसा लेंगे उसको आंख नहीं दिखा सकते, फिर आपका दोस्त हो। आप कभी ब्लॉक में जाके देखेंगे वीडियो साहब के पास करीब करीब हर एक ब्लॉक के 10-20 दलाल रहते हैं और उसमें ज्यादा पुलिसियां रहते हैं। आएगा एक काम कराएगा, सर देखिए हम तो जो लेके आए थे इसका आवास दे दीजिए। वो पूछेगा कि अबरे लेके आए इसमें। एक तरह से उसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्योंकि अब वही एक माध्यम हो गया काम कराने का। हमारा काम नहीं हो रहा है, काम हो जा रहा है तो लोग उसको पकड़ लेते। और जिस समाज सेवा की बात हम कर रहे थे, जब महात्मा गांधी राजनीति में पदार्पण किए थे तो सबसे पहले बोले भाई समाज सेवा करो। आप सबों को शायद जानकर आश्चर्य होगा कि कस्तूरबा गांधी से भी बोले कि तुमको दूसरे का बाथरूम साफ करना पड़ेगा अगर हम लोगों को साथ रहना है तो। लोग कहते कस्तूरबा गांधी अपने फादर को चिट्ठी लिखी या खबर भेजवाई कैसे आदमी से हमारी शादी हो गई, बोलते दूसरे का लैटरिन साफ करो। उनके फादर बोले मिलजुल के काम करो। तो समाज सेवा शुरू होते गांधी जी के। अगर आप पढ़े लिखे हो जानते होंगे कि सफाई जिसके आज स्वच्छता अभियान चल रहा है, जिस पर अरबों में सरकार खर्च कर रहे हैं, चीज को बर्बाद नहीं कर ये अपने उतना ही लेना जिससे आपका काम जल जाए। गांधी जी कपड़ा पहनना छोड़ दिए कि इतना ही कपड़ा पूरे देश को पड़ता है सिर्फ इतना ही पहने। और आज के अगर पॉलिटिशियन को मौका मिले तो पूरा कपड़ा का मिल अपने पास रखते।
उस समाज सेवा का प्रचलन ही खत्म हो गया। आप बहुत अच्छा ठेकेदारी करके पैसा कमा लिए हैं, चलो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव कैसे लड़ेंगे, वो मैनेज करता है, वो देखता है कि जुआ खेल का इसको सामान चाहिए। एक जुआ को 5 रुपया दे दो, खेल का सामान लेगा, एक बूथ हमको भर देगा। वो देखता है कि इस जुआ को इसकी जरूरत है, इसको बेरोजगार है, थोड़ा पैसा देके उसको सोशल साइट में लगा दो। आजकल आपसे आपको सुनने में हो सकता है खराब लगे, आजकल सोशल साइट पर जितनी गलत चीज आ रहे हैं उसमें सब जुआ का, और उस जुआ को कोई ना कोई मिसगाइड करता है, तुम्हारे साथ जुटो और तुमको हम पैसा देंगे। अगर आप तो आप देखें कि हम कहां गए। और आज के समय में कोई बाप नहीं चाहता कि हमारा बेटा नेता बने। आप लोग भी शायद आए हुए तो यह कह के आए होंगे जुआ संसद में जा रहे हैं, अगर यह बोल के आइए कि राजनीति करने जा रहे हैं तो बाप कोई बाहर नहीं बनते। आज तक कोई भी लड़का, कोई भी आदमी अपने लड़की के लिए दामाद खोदे नेता नहीं जाता है। कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो बोले कि चलो चलो नेता से शादी करें। और नेता सब का क्या हाल हो गया है, आप सब युवा साथी को बता दें कि एक बार एक कवि जी किसी रास्ते से, कवि नहीं, कवि के घर से एक नेता गुजर रहे थे। कवि का लड़का नेता को देखा, नेता का इमेज क्या है आप सुझाते ही होंगे। इसमें किसके किसके मन में नेता के प्रति अच्छा भाव है, हाथ उठाएंगे जो नेता के प्रति अच्छा भाव रखते हैं। चलिए यहां तो कुछ लोग हैं। अब नेता उसका कवि का लड़का बीड़ा हुआ था, बोल उसका बहुत खराब था नेता के प्रति ओपिनियन। वो बोला कि देखो एक चोर उचक्का लूचा फ्रॉड नेता जा रहा है, नेताजी सुन लेते हमको गाली बोता है। बोले किसका घर है भाई, तो बोले कवि का घर है, कवि जी को बुलाओ, आपका बेटा इतना उदंड है कि हमको चोर उचक्का फ्रॉड बोल रहा है। कवि जी आए, अपने बेटा पर बहुत गुस्सा है, बोले कि अगर तुम नेता सब कह दिया था तो दूसरा विशेषण क्यों लगाया। यह स्थिति आज के समय में है, लेकिन हम इतना आपको गर्व से अब आप इसलिए कह दे रहे हैं कि वह कोई बुराई हमें नहीं, हम राजनीति करते हैं पूरे शुद्ध मन से करते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित वेतन हम कभी 1 रुपया नहीं देंगे। जो सरकार वेतन देती है और कमीशन की बात हम कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए गर्व से बात आपके सामने रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हम राजनीति करते हैं। आप सब मुझसे बताओ कि लगातार 14 और 19 2009 में पार्टी हमको टिकट दी, 14 में दूसरे दल से लोग आया टिकट ले लिया, 19 घोषित हो गया। हमको हमारे समर्थक क्या बोलते हैं कि थोड़ा झूठ वूठ बोलिए तबे अच्छा होता है। यह राजनीति का मापदंड हो गया है कि आपको झूठ बोलना आना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि किस दलदल में लोग राजनीति करते हैं, और अभी चर्चा चल रही थी बिल की, चर्चा बिल पर काफी बहस हो रहे थे। लेकिन कभी भी अगर आपको कार्यपालिका से पाला पड़ जाए तो पता लगे बिल का क्या होता है। एक छोटा सर्टिफिकेट बनाने आप चले जाइए। इसके हम दो उदाहरण देके अपनी बात खत्म करें। पता नहीं आप लोगों का टाइमिंग का क्या शेड्यूल है, हम को जानकारी नहीं है कितना मिनट बोलना था, लेकिन यह बात बता दे कि पंडित नेहरू के साथ एक एमएलए का उम्मीदवार उनके गाड़ी में घूम रहा था प्रचार करने के लिए। पंडित नेहरू बोले चलना कहाँ है, तो बोला सर रुके पूछते, गाड़ी रुकवा के पूछा कि स्थान कहाँ है। उसको पंडित नेहरू बोले तुम गाड़ी से उतरो, जब तुमको अपने इलाके का एरिया नहीं पता है तो तुम फिर तुमको एमएलए क्यों बना, गाड़ी से उतार दिया। आप सब चरण सिंह का नाम सुने होंगे, कितने लोग चरण सिंह का नाम सुने, चौधरी चरण सिंह, उनके बारे में अच्छा विचार कितने लोगों के मन में, बाकी लोग गलत विचार, इसलिए अखबार पढ़े हैं या सोशल साइट देखे होंगे। चरण सिंह एक नेता थे जो शुरुआती दौर में भी कांग्रेस में थे, बात घट के अपना और विपक्ष की सरकार बनाने में पहला आदमी उत्तर प्रदेश में थे, बनाए थे। चरण सिंह एक बार चुनाव प्रचार में चुनाव के समय में जा रहे थे, सपोज करिए कि उनको नामकुम आना था, नामकुम से पहले उसको एक उम्मीदवार दूसरा था जो कांटा टोली चौक के पास चुनाव लड़ रहा था, साथ में गाड़ी में आ रहे थे, उनको रोक लिया, बोले सर चलिए चलिए हमारा पहले भाषण दे लीजिए इसके बाद नामकुम जाइएगा। चरण सिंह पूछे कि तुम टाइम लिया था क्या, बोले टाइम तो नहीं लिए थे लेकिन सर आपको इसी रास्ते से जाना था इसलिए चलिए। चरण सिंह बोले जब तुम हमको ठग सकता है तो जनता का क्या करेगा। उधर के बोले कि इसको वोट मत देना है, हमको ठगा और हार गए। एक राजनीति उन्हीं के किस्सा बता के अपनी बात को खत्म करेंगे। चरण सिंह एक आदमी को टिकट दे दिए, उसके प्रचार में गए, आदमी स्टेज पर आके कुछ लोग बोला कि तो भ्रष्ट है, इस पर केस हुआ है, आप इसको टिकट दे दिए। स्टेज पर जाके बोले कि हमसे गलती हो गई है, हम भ्रष्ट को टिकट दे दे, तू वोट मत देना इसको।
उम्मीदवार हार गया। यह भारत की राजनीति थी, आपको बताना चाहिए। और आज की राजनीति में का मेरिट क्या हो गया है? कुछ लोग किसी दल के बारे में पूछते थे, पहले तो नहीं रहे नेता, कि वो पूछते थे कि तुम हत्या कर सकता है क्या, तो हाँ, तुम करप्शन में जेल गया है क्या, तो हाँ, तो इसको टिकट दे दो। तो टिकट का मापदंड किस तरह भारत में बदला है, यह हम आपसे बताना चाहते हैं। लेकिन हमें आपसे जरूर कहेंगे कि हम एकदम बिना मांगे आपको सलाह देंगे कि अपना करियर दूसरे फील्ड में बनाइए। अभी जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति में सिर्फ और सिर्फ 2000 के बाद राजनीति पैसे का रही है। जिस मुखिया के चुनाव में 500 रुपया लगता था, अब 15 लाख 10 लाख लग रहा है मुखिया के चुनाव में। अभी पंचायत चुनाव हो रहा है, हम लोग भी अपने पार्टी के कदावर नेता माने जाते हैं, इसलिए हम भी अपने यहाँ उम्मीदवार चयन कर रहे हैं। उम्मीदवार चयन का प्रक्रिया क्या होता है? आदमी बहुत पॉपुलर है, लोग चाहते हैं। तीसरा पूछेगा कि पैसे नहीं खर्चा कर सकता है, इसलिए सो काट दो। पता होना चाहिए आज की स्थिति यह है, हम बहुत ओपन बता रहे हैं, हो सकता है कि आप सब इस बात से सहमत या नहीं सहमत है। अभी राजनीति में पैसा बहुत चाहिए करके होगा, तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। और बाकी चीज के चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से उम्मीद करेंगे कि हम लोग थोड़ा इसको शुद्ध करने का प्रयास करें। अभी 1932 की बात चल रही थी, खद्यान की बात थी, रोजगार की बात थी, कभी आप गौर किया क्या कि कोई योजना इतना चूजी क्यों होता है? कुछ लोग हमारे पास आए जुआ में, बोले भाई आंदोलन करने का सर जरूरत है, इसलिए सरकार ऐसा नियम बना दिया। अब बोले पहले पता तो लगाओ कि कितना रोजगार के तुम आंदोलन करने जा रहे हो। सपोज करिए कि दो सीट अगर कोई रिजर्व कर दिया या दो सीट की आपके लिए बैन कर दिया, तो उसके लिए हजारों आदमी सड़क पर क्यों उतरे? आखिर जो योजना बन रहा है वो कितने लोगों के लिए बन रहा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप जानते होंगे कि मात्र 3% आदमी सरकारी नौकरी में है। 3% से 97% केवड़े है। झारखंड में पूरे एशिया से सबसे ज्यादा ओवर मिनरल पूरे हमारे झारखंड में है। आबादी हमारी इतनी है कि हर आदमी को रोजगार और हर आदमी को काम मिल सकता है। हमारे यहां किसी आदमी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ठीक से विजन के साथ पॉलिसी बने। पॉलिसी बनता नहीं है, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन जरूर कहना चाहेंगे कि विजनरी लीडर की बड़ी आवश्यकता है। अब इतना ज्यादा वैक्यूम है पॉलिटिकल क्षेत्र में, इतना ज्यादा खाली जगह है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वैसे गिनने के लिए तो सिर्फ बहुत है, हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। लेकिन उनसे अभी एक बार हम बात बताओ, किसी कार्यक्रम में हम प्रशिक्षण देने गए थे अपनी पार्टी के लोगों से, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें 170 आदमी थे। उस 170 आदमी में भारतीय जनता पार्टी के गठन का दिन बताने वाला 3 आदमी खड़ा। तो इतना कम जानकारी के साथ लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। आपसे आग्रह करेंगे, आप अच्छा इंटरेस्ट के साथ करें, समाज सेवा में अपना योगदान जरूर दीजिए। और समाज सेवा करने के लिए कोई लाठी डंडा लेकर निकलने की जरूरत नहीं होती है, कोई पैसा लेकर निकलने की जरूरत नहीं होती है। समाज सेवा जो आपके बगल का आदमी है, अगर हम किसी एक बच्चे को गखा गपड़ा दे, वो भी समाज सेवा है। किसी एक आदमी को गली नली साफ कर दीजिए, गार्बेज नहीं फेंके, इसकी सेवा कर ले, ये भी एक समाज सेवा है। किसी एक आदमी को हम यह बता दें कि वोट को पैसा से नहीं देना, ये भी समाज सेवा है। कभी कभी हम एक बार अपने स्कूल के बच्चों को बोले कि अगल बगल में जो कचरा फेंकता है उसको जाके आप तुम मना करोगे कि यहाँ अंकल कचरा नहीं फेंके। बाद में लड़के से पूछे, लड़कियों से पूछे, तुम्हारा अनुभव क्या है? तो एक गार्जियन बोले ठीक है नहीं फेंकेंगे, अगला बोले तुम इतना खरखा काय हो गया, तीसरा बोले जाओ जाओ अपना काम करो, चौथा बोले इसको पढ़ना लिखना है नहीं, कचरा देखते घूम रहा है। तो समाज का मोमेंट इस तरह आपको होगा, लेकिन उससे हटना घबराना नहीं, उसका मुकाबला करना है। और जब तक कुछ लोग निकल के नहीं आएंगे तो दशा और दिशा यही होते रहेगी। बहुत स्थिति खराब है, 65% युवा पूरे देश में, लेकिन उस 65% का हम अब बताओ, एक लड़का ने नहीं किया था, हमने पास आया बोला सर हम आपके साथ राजनीति करना चाहते हैं, हम आपका कार्यकर्ता बनकर आपके साथ रहेंगे। हम बोले तुम चले जाओ अपना नौकरी पकड़ लो, अपना लाइफ बर्बाद कर दो। लेकिन स्वाभाविक रूप से अच्छे लोग अगर निकल के आते हैं, जो वास्तव में ईमानदार हो, जो वास्तव में जानकार हो, और जिसके अंदर वास्तव में काम करने का जज्बा हो, ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। एक बार फिर से युवा सदन में उनको बुलाने के लिए हम आप लोगों को धन्यवाद देंगे। उम्मीद करेंगे कि यह
जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस उद्देश्य से किया जाता है वो सफल हो, आप सब देश के भावी कर्णधार हैं, आप अपने लाइफ में अपनी जिंदगी में सफल हो, स्वस्थ हो और परिवार लेके चलने का प्रयास करिएगा। आजकल एक बड़ी समस्या आई होगी, आज भी मदर्स डे के दिन कहीं देखे थे कोई, आजकल अभी थोड़ा सा सोसाइटी देखते हैं तो एक के माँ बोले हमको पानी पिला और लड़का बोला कि अभी हड़बड़ा हुआ हमको मदर्स डे मनाने जाना है। थैंक यू, धन्यवाद। साथ में आगे बढ़ूं।